हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का पार्ट 3। इसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को चैप्टर वाइज हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे और पूरा डिटेल में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सभी विषयों के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। फिलहाल जो हमारा ये टॉपिक का नेम है इसको आप लोग जान लीजिए, इसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन। और ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसी के बाद शुरू होता है मुगल साम्राज्य का पतन। तो इसमें मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद हम लोग जितने भी राजा हुए बहादुर शाह जफर तक, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला हमारा कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन होता है? बहादुर शाह प्रथम। कौन होता है औरंगजेब का उत्तराधिकारी? बहादुर शाह प्रथम। कौन था बहादुर शाह प्रथम? औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। ठीक, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। इनके चार पुत्र थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, अकबर द्वितीय, मोहम्मद कामबख्श। ठीक, अब जो मुअज्जम था इसी का नाम था बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। आप लोगों को पता होगा इसका उपनाम क्या था, साहे बेखबर। मुअज्जम का उपनाम क्या था? साहे बेखबर। या बहादुर शाह प्रथम का उपनाम क्या था? साहे बेखबर। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? बहादुर शाह प्रथम। आगे चल के भी जो उत्तराधिकारी होंगे वो कौन होंगे? इसी के पुत्र होते हैं, जहादर शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ? यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? नादिर शाह की बात कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता था? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। वही नादिर शाह है जिसने हमारा जो मयूर सिंहासन था वो यहाँ से लेकर के गया था। ठीक, बात आती है कि यह किसके काल में आया था? तो यह मोहम्मद शाह के काल में आया था। नादिर शाह किसके काल में आया था? मोहम्मद शाह के काल में आया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह द्वितीय। आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, मैंने आपको पढ़ाया था और आपको उसमें बताया था कि बहादुर शाह द्वितीय उस समय दिल्ली का राजा था। और जब मेरठ से सभी सैनिक जाते हैं तो वो किसके नेतृत्व में जाते हैं? वो जाते हैं दिल्ली और कहते हैं आप हमारा नेतृत्व करिए। ठीक, तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और इसी 1857 की क्रांति के बाद इसे क्या किया जाता है? रंगून में इसे भेज दिया जाता है और वहीं पर इसका निधन हो जाता है, बहादुर शाह द्वितीय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। ठीक है, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो लाल कुंवरी किसके शासन काल में थी? जहादर शाह। जहादर शाह था कौन? तो मुअज्जम का पुत्र। कौन मुअज्जम? वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं उसी का पुत्र था जहादर शाह। ठीक, इसके समय में एक लाल कुंवरी नाम की वैश्या रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा राजकाज करती है। रीज़न ये था कि वह जहादर शाह इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा आसक्त था और उसने किया क्या था? इससे इसके साथ तो इसका प्रेम था और उसके रिश्तेदारों को, लाल कुंवरी के रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर देता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तृतीय पानीपत युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। आपको पता होगा पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। पहला युद्ध तो होता है 1526 में। पहला युद्ध कब होता है? 1526 में, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा होता है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। तीसरा होता है हमारा 1761 में, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, 1761, 1526 और 1556 में होता है पानीपत का तीनों युद्ध। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? शाह आलम।
तृतीय पानीपत का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम था, मुगल सम्राट। अगला हमारा कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ, तो देखते हैं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। किसका अभ्युदय हुआ? सिख शक्ति का। अगला हमारा कि किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा फर्रुखसियर। किसके शासनकाल में? फर्रुखसियर के शासनकाल में। ठीक, अब देखते हैं ये कौन थे सैयद बंधु। देखिए सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से थे, ठीक है। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता था? किंग मेकर, राजा बनाने वाला। इनका नाम क्या था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक, इन्होंने किया क्या था? 1713 में फर्रुखसियर की ओर से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया और उसे विजयी बनाया। इसके बाद फर्रुखसियर क्या करता है कि अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाता है, ठीक है, हसन खां को अपना वजीर बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई, इसमें हमारा सही आंसर होगा तुरानी गुट ने। किसने किया था? तुरानी गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी सैयद बंधुओं के दमन में। अगला हमारा कि अहमद शाह ने 1748 में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया, तो अहमद शाह ने 1748 में साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? 1748 में साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था सफदरगंज को। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था, इसमें हमारा सही आंसर होगा जहादर शाह। जहादर शाह का शासनकाल सबसे कम था, ये मात्र एक साल का था, एक साल इसका था, और इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहादर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सामान्यता राजा बनने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है, ठीक है, राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में कौन सा सत्य है, तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। इसमें हमारा सही आंसर होगा इनका नाम क्या था? हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। याद रखिएगा कौन सा सत्य है? हुसैन अली इनका नाम था और अब्दुल्ला खां। अगला हमारा कि मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित तीन वजीरों का कालानुक्रम क्या था, तो देखते हैं इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले था जाबिद खां का, फिर था सफदरगंज का, फिर था इमाद उल मुल्क का। ठीक, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था, इनमें से क्या है जो बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था, तो जजिया का खात्मा। जजिया कर का खात्मा बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था इनके समय। आपको बहादुर शाह प्रथम के समय मैं बता दूं आपको कि इनको साहेब ए खबर कहा जाता था, ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम सबसे वृद्ध मुगल शासक थे। सबसे वृद्ध मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। अगला हमारा कि जून 1707 में जजायु का युद्ध किसके बीच हुआ, क्वेश्चन क्या हमारा? जजायु का युद्ध जून 1707 में किसके मध्य हुआ, तो बहादुर शाह ने आजम, किसके बीच हुआ? बहादुर शाह और आजम के मध्य हुआ था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहादुर शाह का नाम याद रखेगा, मुअज्जम भी इसे कहा जाता था। साहेब ए खबर, शाह आलम प्रथम, ये सब किसकी उपाधि? ये सब बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम या शाह आलम प्रथम हम लोग कह सकते हैं। अगला हमारा, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दिया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो जहादर शाह ने दिया था जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी, ठीक है। अगला हमारा कि किस शासक का शासनकाल सबसे कम था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसका आंसर, रफीद उद दरजात का, ठीक है। इनमें से किसका था? रफीद उद दरजात का शासनकाल सबसे कम था। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी, तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था रफीद उद दौला ने। किसने धारण किया था? रफीद उद दौला ने। इनका शासनकाल कितना था? 6 जून से लेकर के 17 सितंबर। देखिए दोनों का कम था, रफीद उद दरजात की बात करें या रफीद उद दौला की, लेकिन अगर इन दोनों में पूछे कि सबसे कम किसका था, तो सबसे कम था रफीद उद दरजात, जिसका शासन कब से कब तक था? 28 फरवरी से 4 जून तक, और जून से सितंबर तक किसका था? रफीद उद दौला का, ठीक है। ये रफीद उद दौला दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने ही रफीद उद दौला को गद्दी पर बैठाया था, और इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ठीक।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का अंत हुआ था आलमगीर द्वितीय के समय, सॉरी मोहम्मद शाह के समय में। किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसी के समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। ठीक, अगला हमारा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? प्रथम आक्रमण के समय शासक था अहमद शाह। ठीक है, इस समय शासक कौन था? अहमद शाह। कब से कब तक था? तो 1748 से 1754 तक अहमद शाह क्या था, 1748 से लेकर के 1754 तक इसका शासन था। और इसी में 1748 में ही अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अली गौहर किसका नाम था? हमारा सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय का। किसका नाम था अली गौहर? शाह आलम द्वितीय। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1759 से लेकर के 1806। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। ठीक, ये सब किसके काल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के काल में ही हुआ था। अगला हमारा कि किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक, शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय। 1806 तक उसका शासन रहता है, और 1806 से लेकर के 37 तक इसी का शासन रहता है। ठीक, ये अंग्रेजों के संरक्षण में प्रथम मुगल शासक बनता है। ठीक, और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। मुगल के सिक्के किसके समय में बंद हुए? ठीक, तो देखते हैं मुगल के सिक्के किसके समय में बंद होते हैं, अकबर द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय या अकबर द्वितीय के समय में ही मुगल सिक्के बंद होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध होता है 24 फरवरी 1739 में। कब होता है? 24 फरवरी 1739। ठीक, अगला हमारा किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा बी, विलियम अरविंद के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सैनिक अदक्षता थी। अगला हमारा फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक है सर जदुनाथ की। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इनके पतन का प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य को औरंगजेब के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, जिस कारण धीरे धीरे पतन होता गया इसका। अगला हमारा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था धन को लूटना। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? तो बी, हमारा सही आंसर क्या होगा, 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ। ठीक है, और नादिर शाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और यह कहाँ का शासक था? यह फारस का शासक था। नादिर शाह भी धन लूटने के कारण ही भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला है हमारा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? तो मुगल सेना का मीर बख्शी था खाने दौरान। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत क्या करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू।